शाजापुर जिले के कालापीपल तहसील के ग्राम खोकरा कला में हल्का पटवारी का विदाई समारोह संपन्न हुआ। गायत्री प्रज्ञा पीठ के सदस्यों ने बताया कि आज गायत्री मंदिर में हल्का पटवारी कीर्ति अग्रवाल का अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए गायत्री प्रज्ञा पीठ के सदस्यों व ग्रामीण जनों की उपस्थिति में गायत्री मंत्र के साथ माँ गायत्री का चित्र देकर माल्यार्पण कर पुष्प वर्षा से विदाई की गई। सभी ग्रामीण जनों ने उनके 3 साल के कार्यकाल की प्रशंसा की। गायत्री परिवार के सदस्य द्वारा विदाई गीत की प्रस्तुति दी गई। अरविंद जोशीले द्वारा उनकी निष्ठा और ईमानदारी के प्रति कविता की 4 पंक्ति बोली गई। इस मौके पर सभी ग्रामीण जन और गायत्री परिवार के सदस्य मौके पर उपस्थित रहे। सुजालपुर से ब्रज राठौड़ की रिपोर्ट। बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी कि इतना अच्छा आयोजन किया और मुझे इतनी अच्छी विदाई यहां से दी, यादगार विदाई मुझे यहां से दी। और जाने अनजाने में मुझसे अगर किसी भी प्रकार की गलती हो गई हो, किसी का काम ना हुआ हो, किसी का दिल मेरी वजह से अगर थोड़ा बहुत भी दुख गया तो कृपया मुझे क्षमा करें। और आशा करती हूँ कि भविष्य में भी कभी किसी को कोई भी काम अगर मुझसे रहा और अगर मैं किसी के थोड़े से भी काम आ पाऊँ तो मैं ज़रूर मुझे संपर्क करें। और मेरा मोबाइल नंबर तो सबके पास है ही, जिसके पास नहीं भी है तो कृपया लेकर मुझसे संपर्क करें कि अगर मैं थोड़ा सा भी किसी के काम भविष्य में आ पाऊँ तो आ जाऊँ। और गायत्री परिवार का तो मैं खास धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे इतनी यादगार दिलाई थी कि जीवन भर में याद रखूंगी इस दिन को। और ऐसा क्षेत्र खोखरा कला जैसा क्षेत्र तो संभव ही नहीं मुझे कहीं और मिल जाए। इतना अच्छा क्षेत्र, इतने अच्छे लोग यहाँ से, सभी ने मुझे बहुत बहुत सहयोग किया। मतलब आसान नहीं है एक दूसरी जगह से आए किसी व्यक्ति के लिए इस क्षेत्र में काम करना, वो भी इतने दूर से, पर आप सभी ने मुझे इतना सहयोग किया कि इतनी आसान लगी मुझे, क्योंकि 5 साल की ये नौकरी करना, मतलब कभी मुझे एहसास ही नहीं होने दिया कि बाहर की नहीं, यहाँ की नहीं हूँ। सभी ने मुझे बहुत सहयोग किया, मैं सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और आशा करती हूँ कि सभी के हमेशा काम आऊँ, किसी भी तरीके की सलाह, किसी भी तरीके का कोई भी सहयोग हो सके तो कृपया मुझे संपर्क बनाए रखें। और इस क्षेत्र को भूलना तो संभव ही नहीं है, हमेशा याद रहेंगे। और खासकर अल्पेश भी आया जो मुझे सहयोग किया है 3 सालों में, कभी कोई दिक्कत नहीं आई कि कभी मैं लेट हुई हूँ, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने थी। और सभी ने मुझे बहुत सहयोग किया, बहुत बहुत आभार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।